हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत ज़रूरी है, तो बाद में क्यों करें, साइमल्टेनियसली करो। शुरू से ही क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत आसान जाएगा, राइट? तो इसी प्रैक्टिस में मेरी आपको मदद होने वाली है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर स्टैंडर्ड 9th के, स्टैंडर्ड 6th के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्वड हैं। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर 2021 से लिया हुआ। इसके अलावा देखो, यहाँ आपने देखा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आपको इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बायोलॉजी का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ बायोलॉजी सेक्शन के लिए, स्टैंडर्ड 9 के और स्टैंडर्ड 6 के पूरे सेक्शंस के लिए, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज करेक्ट रीजन फॉर रिलीजिंग लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन मीथेन कंबशन। ऑप्शंस में है मीथेन इज इन गैशियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, मीथेन इज कलरलेस, मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, मीथेन इज शॉर्टेस्ट हाइड्रोकार्बन लेंथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वो है स्टैंडर्ड 9 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर 13 में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो देखो, इस तरीके से ये एक तरीका है पढ़ाई करने का कि आप क्वेश्चन को देखो, उसका आंसर खुद से ढूंढो, राइट? और वो पढ़ो और आंसर टिक करो। इस तरीके से जो प्रैक्टिस हो जाती है तो वो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है। सो ये आप देख लेना और मैं भी आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, मीथेन की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अ हाईली इन्फ्लेमेबल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स ब्लूइश फ्लेम। बायोगैस प्रोडक्शन में मीथेन रिलीज होता है, याद है, वही है ये मीथेन। ये कम्प्लीटली बर्न होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन अगर देखो तो इस तरीके से है, CH4 इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये याद रखना। ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, इट फॉर्म CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। तो हीट का रेफरेंस लिया जाए तो उसे लिंक करना ग्लोबल वार्मिंग से, मीथेन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक करते हुए पढ़ाई करना। चलो, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन लेंथ है, वो छोटी सी है, बस एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है उसके पास, and hence the proportion of carbon dioxide released in the combustion of methane is small and therefore it is used in a domestic fuel, right? क्योंकि CO2 release कम होता है और इसलिए खाना पकाने में आसानी मिलती है। ओके, तो देखो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, राइट? इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है, इवन कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सो अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है बायोलॉजी सेक्शन से तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट होना, इवन सिंगल टॉपिक भी समझ कर लेना है तो वी कैन हैव वन ऑन वन सेशन एंड वी कैन सॉल्व योर डाउट। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। Thanks for watching.